हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन कमीशन ने एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। लेपकाल भर्ती की इधर बात हो ही रही थी, उससे पूर्व एक और भर्ती का आगाज हो चुका है। जी हाँ, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है IAS आलोक कुमार के द्वारा। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। लाखों युवाओं के सपने होंगे पूरे, निश्चित तौर पर। जिस प्रकार से युवाओं को इस भर्ती को लेकर के सालों से इंतजार था, उस भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। हम लोग देखेंगे ITI अनुदेशक के संबंध में भर्ती के लिए जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड, बढ़ते खबरों आगे और देखते पूरी खबरें यहाँ से विस्तार से। यहाँ से खबरें आप सभी लोग दे देते हैं। यूपी पैट रिजल्ट आने के बाद करेंगे ITI इंस्पेक्टर की परीक्षा का आयोजन। नवंबर में हो सकता है एग्जाम। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़। आप सभी लोग ITI में प्रशिक्षकों के चयन के लिए UPSSC परीक्षा नवंबर में होने की संभावना है। परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित की जा सकती है, जो कि अक्टूबर में घोषित की जाएगी। 12 अक्टूबर को ये रिजल्ट आसपास उसके घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा आयोग से टेक्निकल एंड वोकेशन जो है सेक्रेटरी आलोक कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आलोक कुमार ने लिखा है कि ITI में प्रशिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु जल्द ही UPSSC द्वारा PT परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित की जाएगी। नवंबर को इस महीने में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आप देख सकते हैं, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। UPSSC पैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को दो पारियों में जो है 17,50,000 युवाओं ने 2,254 परीक्षा केंद्रों पर आपकी परीक्षा आयोजित कराई थी। आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया था कि 85% उपस्थिति जो 17.5 लाख के आसपास थी, 20,72,903 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन भी किया था इस PET परीक्षा को लेकर के। तो एक सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये फर्जी खबर है, तो मैं चलिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर उनको ऑफिशियली जो है ट्विटर लिंक पर उनके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश CET परीक्षा था। क्या उत्तर प्रदेश CET एग्जाम भी था? उसी के उपरोक्त में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सीधे मैं ट्विटर अकाउंट से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं, आलोक कुमार ये IAS हैं उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं यहाँ से चीज़ों को, IAS सेक्रेटरी टू द CM ऑफिस, सेक्रेटरी टेक्निकल एंड वोकेशन है ना, वोकेशन एजुकेशन, इंटरेस्ट इन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, IIT कानपुर एंड किंग जॉर्ज लंदन एलमुनी। आप देख सकते हैं कहाँ से ये पढ़े हुए हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम सभी लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आज आपकी CET की परीक्षा भी आयोजित होनी थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला ट्यूट इनका 9 घंटा पहले है। UPSC इज बींग ऑर्गेनाइज टूडे बाई NTA फॉर एडमिशन टू द वेरियस कोर्सेज, बी फार्मा लाइक BFA, BH, MCT, MCA, MBA एंड इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू AKTU, MM मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी एंड HBTU। अराउंड 12,000 स्टूडेंट आर अपेयरिंग एट 297 सेंटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। इसके बाद एक देख सकते हैं ट्वीट इनका किया गया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों के लिए। यहाँ से देखते हैं UPSC की भर्ती को लेकर के, सिलेक्शन ऑन द वैकेंट पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर इन ITI वुड सोन बी कंडक्टेड बाई UPSC आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द पैट रिजल्ट, मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ नवंबर दिस इज बीन गिवेन टॉप प्रायोरिटी। यानी टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी इस भर्ती को नवंबर में परीक्षा कराए जाने को लेकर के। यानी लेखपाल भर्ती से पूर्व अब एक महत्वपूर्ण भर्ती और आ चुकी है, जो हजारों पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा कराई जाएगी, मुख्य परीक्षा कराई जाएगी ITI इंस्ट्रक्टर का। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण खबर UPSC के भर्तियों के लिए आप देख सकते हैं। तो अब ये जो पदों पर भर्ती की जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़। ऑन द ओकेजन ऑफ द टीचर डे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो हमारे पूर्व, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। आप देख सकते हैं, इवेंट एंड फंक्शन बींग ऑर्गेनाइज टू फैसिलिएट आवर डिलीजेंट फैकल्टी टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द टेक्निकल इंस्टीट्यूट
पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है आप सभी के लिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, जिनके पास योग्यता है उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। नवंबर माह से जो है UPSC में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, इसके बाद लेखपाल, उसके बाद ANM की भर्ती। यानी अगर कैलेंडर के मुताबिक आयोग काम करता है तो निश्चित तौर पर भर्तियों का पिटारा खुल जाएगा और युवाओं को लगातार परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ेगी, जो करने के लिए आज हमारा युवा, उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल तैयार बैठा है, अपनी लगातार तैयारियों को लगातार धार दे रहा है। निश्चित तौर पर धार इतनी जो है तेज होनी चाहिए कि बिल्कुल परीक्षा हाई लेवल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस यहाँ से हम अब इस वीडियो में विदा लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।